होकर क्या बनना चाहते हो? 3 कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसानों ने दिल्ली के बॉर्डर इलाकों में डेरा डाला हुआ है, तो हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में भी किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस किसान आंदोलन में अनूठे रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई पजैरो गाड़ी के पीछे ट्रालियां जोड़कर आंदोलन का हिस्सा बन रहा है, तो कोई छोटी जीप लेकर आंदोलन में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी तरह का अनूठा रंग आज करनाल में देखने को मिला। आप हैरान हो जाएंगे कि आंदोलन में एक 6 साल का बच्चा और एक 9 साल की बच्ची ट्रैक्टर चलाकर पहुंची। इस गुड़िया ने पूरे ट्रैक्टर मार्च के दौरान खुद ही ट्रैक्टर चलाया। इसी तरह से बासा गांव का ही एक 6 साल का छोटा सा बच्चा भी किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर चलाकर पहुंचा। खास बात यह है कि 6 साल और 9 साल की उम्र खेलने कूदने की होती है। 6 साल के बच्चे को दुनियादारी का भी ज्ञान नहीं होता है, लेकिन आज जिस तरह से करनाल में एक 6 साल का बच्चा और एक 9 साल की बच्ची ट्रैक्टर चलाकर पहुंची, उससे किसानों के जोश में भी इजाफा हुआ। पूरे ट्रैक्टर मार्च के दौरान ये दोनों बच्चे चर्चा में बने रहे। दोनों के पिता को अपने बच्चों पर गर्व है। वे अपने बच्चों को आंदोलन में इसलिए लेकर आए हैं ताकि वो ये समझ सकें कि जब उनके ऊपर कोई आँच या मुसीबत आती है तो किस तरीके से एकजुट होकर आगे बढ़ा जाता है। ये दोनों बच्चे इस आंदोलन में दूसरे लोगों की तरह ही मिसाल बन गए हैं। आपकी बिटिया ट्रैक्टर चलाकर पहुंची है, बहुत खुशी यार। लोग बोलते हैं लेके क्यों आए हो, तो ठीक किया मैंने, मेरे को अच्छा लगा। मैंने लेकर आज देखेंगे सारे, कल को और भी लेके आए। ये जाना चाहे बिटिया लड़के से बढ़के होती है, उसको साथ में रखना चाहिए। ये 3 काले करोड़ तो वापस लेने होंगे। उनको जिता बच्चे बुजुर्ग माता माँ सारे आंदोलन में बचने तो शांति भी दिखे ना। बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? क्या करते हो आप? कौन सी क्लास में हो? ट्रैक्टर कब से चला रहे हो? करनाल से रिपब्लिक हरियाणा के लिए हिमांशु नारंग की रिपोर्ट।